pleasure to invite then Mr. Fahad Hussain, who has over 30 years of experience and is a senior editor at Dawn News. Enough of the words, let's see a package our media team has made on him and his incredible work. Assalamu alaikum Nazreen, program and focus, I am Fahad Hussain. Fahad Hussain did his bachelor's from Ohio Wesleyan University, USA. He became the first Pakistani to graduate at the top of his class in Columbia University in New York, from where he completed his master's in television journalism. He was awarded both Pulitzer Traveling Fellowship and Jack R. Howard Scholarship. Fahad Hussain began his career as a journalist at the Daily Muslim newspaper in 1991. He also had the honor to work in international news channels like CBS and Gulf News. Fahad also worked as a host and director news at renowned Pakistani channels like Jio TV, Dunya TV, ARY News and many others, and launched three TV channels. Ladies and gentlemen, faculty, students of Beria University, let me start by thanking you all for inviting me today to speak on the issue of media ethics. And I checked before whether I should speak in English or Urdu or a mixture. मुझे कहा गया कि mix कर लें तो ठीक है. तो mixture ठीक है? को खालिस अंग्रेजी वाला है तो हाथ खड़ा करके मुझे बता दें. ओके, ठीक है जी. वी मिक्स करके चलते हैं. बिकॉज देखिए, आज का जो ये मीडिया एथिक्स की है, मेरे ख्याल में आप ये तमाम मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स ही हैं, ऑल ऑफ देम. ओके, और उसमें मास्टर्स भी है और बैचलर्स भी है. ओके, आप में से मुझे ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं. थोड़ा सा मैं ज़रा पहले, इससे पहले कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे आऊँ, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक सर्वे करना चाह रहा हूँ मैं. बिकॉज आपने तो अभी मेरे छोटा सा आपने पैकेज देखा, बनाया. आई एम वेरी ग्रेटफुल जिन्होंने बनाया, थैंक यू वेरी मच. बट थोड़ा सा मैं आपसे भी, आपका भी तारुफ करना चाह रहा हूँ. तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हाथ खड़ा करके
कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे अखबार या वेबसाइट देखकर और अपने आप को अपडेटेड रखते हैं कि दुनिया और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये कितना है? अराउंड 50%, लेस देन 50%, 20%। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो डे टू डे के बारे में वो अखबार से लेते हैं? 10-11 मुझे हाथ नजर आ रहे हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन टीवी न्यूज चैनल से लेते हैं? ये भी लेस देन 50% है। कितने ऐसे हैं जो डिजिटल या सोशल मीडिया से लेते हैं? ओके, ये जरा काइंडली ये जो हाथ खड़े रखें और सब जरा पीछे मुड़ के भी देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। एंड आई एम ग्लैड कि ये जो पोल मैंने छोटा सा किया है, बिकॉज आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो इसेंशली लिंक्ड ये है कि देखिए, आज का टॉपिक हमारा है कि मीडिया एथिक्स। बट एथिक्स में जाने से पहले हमें ये समझना भी जरूरी है कि ये एथिक्स किस बला का नाम है और इसकी जरूरत क्या है। यानी आप अगर YouTube चैनल चला रहे हैं अपना, या आप सोशल मीडिया पे आपका कोई ट्विटर अकाउंट है, या आप अपने Instagram अकाउंट को लेकर और उसमें से कुछ आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या एथिक्स की जरूरत है? या ये कि दिस इज समथिंग अ बिट मोर फॉर्मल। ये जो एथिक्स की बात है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आठ से अगर मैं 8-9 साल पहले, इफ आई वर टू बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, आई वुड अप्रोच इट इन अ डिफरेंट मैनर। लेकिन जितनी तेजी से मीडिया चेंज हो रहा है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, तो जो ये सारा डिस्कशन है अबाउट द रोल ऑफ मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया और उसकी क्या सही है क्या गलत है, उसमें भी कुछ चेंज आता जा रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम इस ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनके बारे में बात करें। लेकिन एक चीज जो है, जो मैं आज की जो हमारी बेसिक थीम है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो ये कि इवन व्हेन देयर इज सो मच चेंजिंग सो क्विकली इन जर्नलिज्म एंड मीडिया, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉट चेंजिंग। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं चेंज हो रही और ना ही होंगी अगर जर्नलिज्म की हम बात करें। आज मैं थोड़ा सा शुरू वहां से करूंगा और एथिक्स की जब हम बात करेंगे तो एथिक्स को मैं जोड़ूंगा उन चीजों से जो चेंज नहीं होनी, या कम से कम एटलीस्ट जहां तक हम उसको देख सकते हैं। सो इसेंशियली तो पहले तो जरा आइए कि जी ये जर्नलिज्म है क्यों, ये सवाल सबसे पहले करना चाहिए। आप मीडिया पढ़ रहे हैं, यू आर ऑल एनरोल्ड इन दिस, एंड द फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि ये आप क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई हैव यू चोजन टू बी हियर? एंड एवरीबॉडी हैज एन आंसर टू इट। एवरीबॉडी शुड हैव एन आंसर टू। You must know why you are here. अगर आप कहते हैं कि जी मैं इसलिए जर्नलिज्म पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं या मीडिया पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, या मुझे टीवी पे आना है, या मुझे फेमस होना है, या मुझे पैसे कमाने हैं, तो that's an important reason, but it is not the fundamental reason. You need to know the fundamental reason. बुनियादी वजह क्या है? एंड ये जो मैंने आपके सामने रखा है ये कोट, ये आईड लाइक टू इसका वो पॉइंटर चलता है, ओके, डजंट मैटर। ये किताब है जी, ये इसको काइंडली नोट कीजिएगा, इट्स कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, ये उसके ऑथर्स हैं। एंड इफ आई वो टू रेकमेंड यू वन बुक ऑन जर्नलिज्म, ये कोई बहुत हाई फ्लाइंग बुक नहीं है अबाउट, इट इज एसेंशियली अगर आप में से कभी किसी ने अपने आप से सवाल किया है या करना चाहती हैं कि मैं मीडिया में क्यों, तो
इस किताब को जरूर देखिएगा, मैं इसमें से आज कोट करूंगा। द पर्पस ऑफ जर्नलिज्म इज नॉट डिफाइंड बाय टेक्नोलॉजी नॉर बाय जर्नलिस्ट और द टेक्निक्स दे एम्प्लॉय। द प्रिंसिपल्स एंड पर्पस ऑफ जर्नलिज्म आर डिफाइंड बाय समथिंग मोर बेसिक, द फंक्शन न्यूज प्लेज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। आई वुड, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक यू टू, आज का जो सेशन है ना, इसमें हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। आपने थोड़ा सा अपने जहन को खोलना है, एंड यू हैव टू लुक डीप इनसाइड योर हार्ट और सोचना है। एंड आई वांट कि जब हमारा ये खत्म भी हो जाए, कीप थिंकिंग, व्हाई आर यू हियर? यू हैव टू फाइंड दैट आंसर। जब तक वो आंसर आपको नहीं मिलेगा, बाकी चीजें बाद की चीजें। एंड अल्टीमेटली देखिए, हम जो कुछ करते हैं या कर, जर्नलिज्म, व्हाई इज जर्नलिज्म डिफरेंट फ्रॉम से एनी अदर प्रोफेशन इन माय माइंड? बिकॉज हियर यू आर अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। और अल्टीमेटली आपने ये जहन में रखना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं या जो कुछ कर रही हूं, मैं अपने लिए तो कर रहा हूं, अपने पेचेक के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए, अपने जॉब के लिए, अपनी शोहरत के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मेरा काम जुड़ना चाहिए लोगों की जिंदगियों के साथ। अगर ये नहीं हो रहा, तो देन यू आर मिसिंग समथिंग फ्रॉम जर्नलिज्म। इसको बार बार अपने आप को रिमाइंड कराइए। जब आप ये करा लेंगे, तो आपका अगला सवाल ये होगा, अच्छा ठीक है जी, मैंने कर तो लिया, बट हाउ डू आई मेक द कनेक्शन बिटवीन व्हाट आई एम थिंकिंग एंड डूइंग एंड हाउ कैन आई इंप्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल। एक सवाल है, जेन्युइन सवाल। सो द पर्पस ऑफ जर्नलिज्म, आज मैं थोड़ी सी आपसे जनरल बात करूंगा। द पर्पस ऑफ जर्नलिज्म is to provide citizens with the information they need to make the best possible decisions about their lives, their communities, their society and their governments. जब आप अपने आप से सवाल करेंगे, जब भी करेंगे आप, कि मैं जर्नलिज्म क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं, तो आप सोचेंगे कि जर्नलिज्म है क्या? Why do we do journalism? What is the definition of journalism? और journalism की बहुत सारी definitions आपने सुनी होंगी, क्योंकि हैं बहुत सारी definitions। कोई कहता है it is the first draft of history। But this definition मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं, because of all the definitions that I've studied in my life, this is the one that comes closest to what I feel is all encompassing। ये क्या करता है, इस डेफिनेशन के बारे में नोट कीजिए, जो मैंने पहले बात की थी, ये आपके और मेरे जॉब को, जो आप पढ़ रहे हैं और जो मैं कर रहा हूं और जो कल को आप करेंगे इंशाल्लाह, वो उसको जोड़ता है विद द लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट। सिटीजन्स, कम्युनिटीज, सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट्स। नुक्ता मेरा क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं और आप कल को जो करना चाहते हैं, डू नॉट थिंक ऑफ इट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। इट इज समथिंग बिगर, इट इज समथिंग लार्जर, इट इज समथिंग मोर नोबल। अगर आपने इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड जर्नलिज्म करना है, तो वो आपने माशरे के लिए करना है, मुल्क के लिए करना है। और ये मैं रिवायती बात नहीं कर रहा, हालांकि आप शायद लोग रिवायती तौर पर यह बात करते हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली एज अ प्रोफेशनल आपको बता रहा हूं कि अगर आपके ज़हन, बैक ऑफ योर माइंड, इफ यू कैन कीप दिस, कि वॉट एवर आई एम डूइंग, ये जो मैं एडिट कर रहा हूं, ये जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, या ये जो मैं पैकेज बना रही हूं, अल्टीमेटली इट मस्ट इन वन वे और द अदर इंप्रूव द लाइव ऑफ द पीपल ऑफ माई सोसाइटी, माई कम्युनिटी, माई कंट्री, वन वे और द अदर। हाउ? बाय giving them the kind of information that helps them make better decisions for them and their family. Abhi hum aage chalke jab baat karenge fake news ki aur wo sari jo baat bias ki, ethics ki,
वो सब इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस when you realize कि कोई भी काम आप जर्नलिस्ट करते हैं जिससे उस आपकी इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट को आपकी जर्नलिज्म को जो रिसीव कर रहा है उसकी लाइफ में बेहतरी के बजाय खराबी आती है तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड देयरफॉर द एसेंस ऑफ जर्नलिज्म इन मेनी वेज इज टू कीप एन आई ऑन द बिगर पिक्चर बार बार अपने आप को रिमाइंड कराएं कि यू आर डूइंग जर्नलिज्म नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर अ बिगर कॉज सो देयरफॉर इफ यू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ जर्नलिज्म मैं ब्रीफली थोड़ी सी आपको कहानी सुनाना स्टोरी ऑफ जर्नलिज्म क्या है एंड अगेन आप नोट कीजिए कि मैं आई वॉन्ट टू टेक यू डाउन टू द बेसिक्स आज गहराई में जाएं थोड़ी जर्नलिज्म की ये जो एक क्राफ्ट है एक जो टेक्निक है जर्नलिज्म की कि जी आपने लिखना कैसे है जुमला कैसे लिखना है कैमरा कैसे शूट करना है ये सारी टेक्निक्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन उन टेक्निक से पहले जर्नलिज्म का एक फलसफा है और मीडिया जर्नलिज्म की एक रूह है पहले उसको पकड़ें जरा बाकी चीजें बाद में आ जाएंगी सो द स्टोरी ऑफ जर्नलिज्म क्या है देयर आर टू बेसिकली टू फंडामेंटल्स ऑफ दिस इस कहानी के दो हिस्से द क्राफ्ट ऑफ जर्नलिज्म एंड द प्लेटफॉर्म फॉर जर्नलिज्म अब ये जर्नलिज्म आप श्योर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कहां से कहानी शुरू होती है आज से कई सौ साल पहले 1600 प्रिंटिंग प्रेस आता है और प्रिंटिंग प्रेस के बाद फिर वो एक रेवोल्यूशन आती है वो सारी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी और फिर 1700s में मजीद को डेवलप होता है यूरोप में 1800s में अखबार शुरू हो जाते हैं और फिर वो बायस और इम्पार्शियलिटी के कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट इसेंशियली उन सारी चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पढ़ी हुई है इन केस नहीं पढ़ी हुई तो घर जाके देख लीजिएगा क्विकली गूगल में मिल जाएगा आपको क्राफ्ट ऑफ जर्नलिज्म क्या है क्राफ्ट यह है कि आप यू कैन टेल द स्टोरी ट्रूथफुली अब इसमें ये जो पहला जुमला है टेलिंग द स्टोरी ट्रूथफुली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ कौन सा है बताएं मुझे एनीबॉडी वेरी गुड यू टीचिंग द किड्स वेल सर ट्रूथफुली अगेन ये जुड़ेगा रिमेंबर हमारा आज का टॉपिक है एथिक्स लेकिन मैं उस एथिक्स में आज नहीं जाऊंगा कि आपने इसको ऐसे कैसे बारीकियों में नहीं जाऊंगा मैं आज हम बड़ी बात करेंगे सो द क्राफ्ट ऑफ जर्नलिज्म इज टेलिंग द स्टोरी ट्रूथफुली अब इसमें आपका सवाल हो सकता है कि जी ट्रूथफुली कैसे सुनाए स्टोरी हाउ डू वी नो मतलब सच तो लोग उसकी मुख्तलिफ तशरी कर सकते हैं विल कम टू दैट And the other one is elements of journalism in telling the story. मैं इस पर थोड़ी सी भी आपसे बात करूंगा this one कि जब आपने एक truthfully एक story सुनानी है तो कैसे सुनाए क्या करने की जरूरत कोई checklist है कोई सच की checklist है कि ये 10 चीजें कर लें तो story truthfully आप सुना सकते हैं और second है the platforms of journalism. अब ये जो पहला वाला है craft of journalism और इसकी दो ये चीजें चेंज नहीं हो रही वो जो मेरे दोस्त बिल्कुल एंड में बैठे हैं आपको नजर आ रहे हैं सर बिल्कुल एंड में लास्ट लाइन कैन यू सी दिस ये छोटा तो नहीं लिखा हुआ ओके पॉइंट नंबर वन इज नॉट गोइंग टू चेंज पॉइंट नंबर टू इज चेंजिंग प्लेटफॉर्म फॉर जर्नलिज्म व्हाई बिकॉज एक चीज है कहानी मैं आपको इस तरह एग्जाम्पल दूं आपने एक वाटर पाइप होता है आपने एक पाइप बनाना और फिर उस पाइप के जरिए पानी छोड़ना दो अलग फंक्शन राइट ये जो पाइप बनाना है पाइप इटसेल्फ इज स्टोरी इज नंबर टू एंड नंबर वन इज द पानी इटसेल्फ पानी पानी रहेगा पाइप बड़ा भी हो जाएगा उसका मटेरियल चेंज भी हो जाएगा कल को उसके अंदर कुछ सिंथेटिक एलिमेंट्स भी आ जाएंगे वो चेंज होता रहेगा लेकिन पानी पानी H2O ही रहेगा सो नाउ वी नी अगर आपने इफेक्टिवली यहां से और अगले सेक्टर तक पानी पहुंचाना है यू नीड बोथ थिंग्स
आपको पाइप भी बनाना है और आपको पानी भी छोड़ना है. दिस इज द सेम थिंग. सो वी नीड टू नो एग्जैक्टली के द वॉटर एंड द पाइप. नाउ द पाइप इज चेंजिंग. टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप सब देख रहे हैं. प्रिंट, रेडियो, टेरेस्ट्रियल टीवी, सैटेलाइट टीवी एंड ऑफकोर्स डिजिटल सोशल मीडिया, ये सब चीजें, यू नो हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. ऑफकोर्स प्रिंट इज गोइंग आउट ऑफ फैशन, कागज. लेकिन प्रिंट को एक नई जिंदगी मिली है. कहां पे मिली है? हु कैन टेल मी? प्रिंट इज द रिटन वर्ड, राइट? लिखा हुआ. हु सेड दैट? जी ऑनलाइन. वेल डन, वेल डन. लोग कहते हैं जी प्रिंट मर रहा है, और आपने ही मुझे कहा कि अब अखबार जो है आप लोग कम नहीं पढ़ते, क्योंकि अखबार अब जाहिर बात है खत्म हो रहा है. अखबार प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन रिटन वर्ड कहीं नहीं जा रहा. तो अगर कोई सोचता है कि जी मुझे लिखना नहीं आना चाहिए, कोई लिखने वाला, अब तो प्रिंट खत्म हो रहा है. नो, प्रिंट प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा है, बट द पावर ऑफ द रिटन वर्ड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग बिकॉज टेक्स्ट इज नाउ ऑल ओवर ऑनलाइन. सो एसेंशियली ये प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं, और इस पे वी विल टॉक लिटिल बिट अबाउट दिस. बट अगेन ये जो प्रोग्रेशन है, आई एम श्योर कि आप लोग पढ़ चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेयर वी आर नाउ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग अ बिट. सो दिस मेजर चेंज इज हैपनिंग, और इस चेंज में ये जो पॉइंट नंबर वन है, मैं चाहूंगा कि जरा इस पे आप जरूर थोड़ा सा जोर दीजिएगा. थिंग्स दैट आर नॉट चेंजिंग. नाउ थोड़ा सा पाकिस्तान पे आ जाए. आई एम श्योर यू नो, बट रिमाइंड करा दूं, तकरीबन 90 प्लस न्यूज चैनल, मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूं, चैनल्स हैं पाकिस्तान में, उसमें से 48 न्यूज चैनल्स हैं. इस पूरे हॉल में कोई ऐसा है जिसको 48 न्यूज चैनल्स के नाम आते होंगे? एनीबडी हु कैन नेम 48 चैनल्स? एनीबडी हु कैन नेम 40 न्यूज चैनल्स? मैं भी नहीं कर सकता. And I work in them. So clearly, I think we have more channels than we require, news channels. Uski wajah se kya ho raha hai? There is a crisis of credibility. Mujhe bataye, aap mein se kitne log aise samajhte hain ki Pakistan television news channels Pakistan mein ek musbat role ada kar rahe hain? Haath khada ke batao. Musbat role. Positive. One. You actually think so? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं जनरलाइज करूं, how many of you feel that news channels are playing a negative role in Pakistan? अदम एतमाद का वोट. उसकी वजह है, अब मैं आपसे आर्ग्यू कर सकता हूं कि नहीं देखिए मेरे ख्याल में हम ये कर रहे हैं, वो दैट्स बिसाइड द पॉइंट. द फैक्ट दैट मेनी ऑफ यू थिंक दैट means what? Means this crisis of credibility. अब मीडिया में कोई इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, अगर आप में से अक्सरियत ये समझती है कि पाकिस्तान में मीडिया टेलीविजन काम अच्छा नहीं कर रहा, तो that means there is a crisis of credibility. And therefore, my question to you is, when you watch news channels, do you trust them? How many of you trust what you hear? Zero. How many of you don't trust what you hear? तो बाकी लोग क्या करते हैं? देखते नहीं. Okay. So therefore, in Pakistan, broadcast media को एक बड़ा challenge आया हुआ है for a number of reasons. देखिए, the broadcast television, people think है जी social media आ गया, television खत्म होने जा रहा है. ऐसा नहीं है. TV has to now शेयर स्पेस विथ डिजिटल मीडिया, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ट्रस्ट का. ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो पहली मैंने बात की थी, फिगरिंग आउट कि आपने किस तरीके से अपना बात करनी है कि लोग उस पर यकीन रखें. यू रिमेंबर ट्रूथफुली, द वर्ड ट्रूथफुली, इट कनेक्ट्स टू दैट. व्हेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस डोंट टेक दैट वर्ड सीरियसली, तो फिर यह होता है जो अभी आपने हाथ खड़ा करके मुझे दिखाया. It is a problem, and that problem can be solved if you. देखिए, कल आपने भी जाना है, किसी ने न्यूज चैनल में काम करना है, किसी ने अखबार में काम करना है, किसी ने वेबसाइट पर काम करना है.
As long as you keep in mind ke aapki credibility is linked to your A, knowing the requirements of journalism, badi moti requirement jo hai, fundamental, and B, how to take that requirement and tell a story truthfully. Acha, ab zara main thoda sa aapko thehre, pehle main thoda sa aapse ek survey karunga. Aap mujhe bataein, how many of you are now active users of Facebook? Kam hai? Are you surprised? Sare haath khada kare zara. Do you look around? Are you surprised? Ya kaafi hai ye? Kam lag rahe hain mujhe. Okay. How many of you are active users of Instagram? Ye please note kijiyega, because this is important. This is important for journalism. How many of you are active users of Twitter? Insta se kam hai? Insta se kam. Okay. This I'm interested. Next wala jo hai na, I'm interested in. Aur ye pehli line aapne vote nahi karna, because you won't apply, it won't apply to you. How many of you are users of Snapchat? Good. And last one, aur isme galat bayani nahi karni aapne, sharminda nahi hona. How many of you are active users of TikTok? Ye actually reflect theek kar raha hai, mujhe lag raha hai kam kar raha hai thoda. By the way, if ye jo TikTok wale jinhone thoda sharma sharmi haath khada kiya hai, you need to know ke BBC is now using TikTok to tell for its journalism. And so is Washington Post, and so is CNN, because they've realized that TikTok is where the young audience is. And if they want to reach the young audience, they're actually innovating their own journalism to bring it to the format of TikTok. It's very interesting. Aajkal TikTok Pakistan mein ban hua hai, but jab khulega to you should go and take a look at it. Ab main aapko dikhana chahta hu jo ye aapne aakhri haath uthaye hain, whether jo aapka survey hai, is it reflective of the national survey? Because there is some data, there is some very interesting data jo main aapse share karna chahta hu. Pakistan mein takriban 8.25 crore log jo hain wo internet use karte hain. Ye chand mahine purana data hai, ab tak ye figures obviously change ho gaye honge, but kafi recent hai. Aur isme takriban 1.11 million, yani 1.1 crore internet users mein izafa hua hai ek saal mein. So 22 crore ki hamari abadi hai aur takriban 1 crore izafa hua hai ek saal mein. That's what's interesting. Ye note kijiye, ye jo sara izafa ho raha hai, iske bawajood penetration is only 35%. Yani aap dekhenge potential kitna hai. जो हम डिजिटल की बात कर रहे हैं और जो भी आपने मुझे हाथ खड़े करके दिखाए हैं, ये नोट कीजिएगा कि ग्रोथ कहाँ है. सो 65% अभी टेरिटरी बाकी है फॉर दिस काइंड ऑफ पेनिट्रेशन. व्हाट दैट वुड मीन फॉर जर्नलिज्म, मीडिया, एंड वेयर यू वांट टू गो एंड प्लान योर करियर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. अच्छा, सोशल मीडिया यूजर्स 46 मिलियन, 4.25 करोड़ पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज कर रहा है और तकरीबन 90 लाख इंक्रीज हुआ है सोशल मीडिया के यूजर्स में. दैट्स अ साइजेबल अकाउंट, साइजेबल गिवन के आप हमें लगता है कि जी अभी डिजिटल लिटरेसी हमारी बड़ी कम है और वगैरह वगैरह, बट दिस इज एंड बाय द वे इन द रीजन हम पीछे हैं अभी. If you compare with India and Bangladesh and Sri Lanka, hum log piche hain. Mobile subscribers, 117 crore Pakistaniyon ke paas mobile phones hain, 22 mein se. Obviously, isme wo do-do SIM ka data aata hai, to thoda sa
हो जाता है, बट इट शुड गिव यू अ फिगर. अच्छा ये नोट कीजिए जरा, 99% ऑफ दोज हु हैव एक्सेस सोशल मीडिया हैव डन सो ओनली फ्रॉम अ मोबाइल फोन. आप में से कोई ऐसा है जो लैपटॉप पे बैठ के सोशल मीडिया करता है, फोन पे नहीं करता? एनीबडी? 4-5 लोग हैं, बट ओवरवेलमिंगली दैट मींस के 99% फोन पे कर रहे हैं. दिस ऑल्सो हैज रिपरकशंस फॉर द मीडिया एंड फॉर जो शुरू की पहली स्लाइड थी ना, दो चीजें मैंने आपको बोली थी कि प्लेटफॉर्म वो पाइप और पानी वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये उससे कनेक्ट होगा. एन एस्टिमेटेड स्मार्टफोन कनेक्शंस 81 मिलियन. 8 करोड़ पाकिस्तानी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं. दैट्स अ बिग नंबर. और ये क्यों है? इट्स डबल्ड इन द लास्ट 2 ईयर्स, विच मीन्स कि अगले साल जो है ये आई एम श्योर के डबल हो चुका होगा. नाउ बैंडविथ की कॉस्ट कम हो रही है, एक तो रीजन ये है. दूसरा स्मार्टफोन की कॉस्ट, इस टाइम महंगा तरीन स्मार्टफोन कौन सा है? आईफोन कौन सा है? 13. क्या प्राइस है उसकी? 3 लाख? 4 लाख का भी है कोई? आपको याद है सर 4 लाख की गाड़ी आती थी? अच्छा सस्ता तरीन स्मार्टफोन कितने का मिलता है जी? 1200 रुपए का मिलता है कोई नया? अच्छा जो 1200 वाला मिलता है उसमें तकरीबन वही फीचर्स होते हैं जो 4 लाख वाले में है. 4 सिम्स भी डाल सकते हैं. तो अब मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन अगर देखिए 12 आपका स्मार्टफोन का रेंज है 1200 से 4 लाख, और जो 1200 वाला है उसमें आई एम श्योर आप इंटरनेट सर्फ भी कर सकते हैं, उसमें आप सोशल मीडिया एप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आई एम श्योर कैमरा भी है, वीडियो भी होगी, वीडियो भी बना सकते हैं. गर्ज ये कि हर चीज कर सकते हैं. ठीक है कैमरे की क्वालिटी थोड़ी कम होगी, यही होगा ना. लुक एट दिस रेंज. तो जब आप ये देखते हैं कि 8 करोड़ पाकिस्तानी स्मार्टफोन यूज कर रहा है, तो आर यू सरप्राइज्ड? विच मीन्स के नेक्स्ट टाइम ये जो 8 करोड़ है ये 12 करोड़ होगा. स्मार्टफोन्स खरीदना और फिर बैंडविड्थ की प्राइस उसको इस्तेमाल करना, दोनों जितने अफोर्डेबल होते जा रहे हैं उतना ज्यादा तेजी से वो फैलते जा रहे हैं. एंड दे आर इन मेनी वेज बिकमिंग द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एवरी पाकिस्तान. फेसबुक आप लोगों ने हाथ खड़े करके दिखाए थे, 4 करोड़ पाकिस्तानी फेसबुक यूज कर रहा है इस टाइम, 4 करोड़. और मोबाइल फोन से 99% सिर्फ मोबाइल फोन से यूज करते हैं. ये मेरा ख्याल है 100% हो जाएगा बहुत जल्द. YouTube 36.1 मिलियन, तकरीबन 3.5 करोड़ लोग पाकिस्तान में YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं. और टॉप 10 सर्च क्वेरीज देखें क्या है, इसमें से आपकी भी होंगी आई एम श्योर. ये टॉप 10 सर्चेज हैं. ये नंबर 8 जो है ये आई एम श्योर नंबर 1 पे होना चाहिए. आप में से किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है? एनीबडी? ओके जी, लेट्स सी. इंस्टाग्राम, आप लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एवरीबडी इज हियर, बट पाकिस्तान में 1.1 करोड़ 11 मिलियन लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं. सो क्लियरली फेसबुक इज फार मोर पॉपुलर ओवरऑल, बट ऑब्वियसली बिकॉज इस कमरे की डेमोग्राफिक जो है एवरेज एज इज मच लोअर, तो आप लोगों का ज्यादा. एंड जेंडर बैलेंस देखिए इंस्टाग्राम में, आई वॉज अ लिटल सरप्राइज टू सी दिस ऑल्सो, 33% फीमेल्स एंड 67% मेल. सो दैट्स द जेंडर बैलेंस.
स्नैपचैट 11 करोड़ और इसमें भी परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट है बट मेल वर्सेस फीमेल जो है दिस इज अ बिट डिफरेंट. मेरे ख्याल में जिसमें दिस जेंडर बैलेंस जो है ये आने वाले दिनों में कम होगा आई एम श्योर. सो दिस गिव्स यू और ये है जी ट्विटर 2.1 मिलियन कम है फार लेस बट ट्विटर का इंपैक्ट ज्यादा है बिकॉज एवरीबडी हु इज अ डिसीशन मेकर इज ऑन ट्विटर. हेंस ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले कम है लेकिन उसकी आवाज ज्यादा ऊंची है. एंड ऑफकोर्स इसमें देखें जेंडर बैलेंस सबसे ज्यादा उल्टा सीधा हुआ है. फॉर सम रीजन प्राइमरली मेल्स ट्विटर को ज्यादा यूज करते हैं. अब इसकी बुनियाद पे नाउ दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं एंड देन फिर हम इसको फाइनल लेक्चर को मैं एथिक्स की तरफ लेके आ रहा हूं. देखिए इससे क्या एस्टैब्लिश हो रहा है. इससे ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि जो आपका कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज कर रहा है. प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया था कि वापस मैं आपको एग्जांपल देता हूं पाइप और पानी की. ये पाइप चेंज होना शुरू हो गया. वो जो पाइप था जो पहले अखबार था और फिर टेलीविजन कुछ हद तक है अब वो पाइप को बनाने के लिए मटेरियल जो है वो डिजिटल होता जा रहा है और इंक्रीजिंगली ये चेंज होगा क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी तेजी से डिजिटल पेनिट्रेशन हो रही है और जो मैं अभी हमने जिक्र किया कि इट इज बिकमिंग मोर मोर अफोर्डेबल to be on the digital platform for everybody regardless of ke aapki aap urban area mein rehte hain rural mein rehte hain aapki taleem ka level kitna hai wo sari cheezon ko cut karke digital is becoming a great equalizer aur jo 35% penetration thi usse aapko kya idea hoga ke aane wale dino mein ye badi tezi se ye cheeze change honi hai. So pipe change ho raha hai लेकिन पाइप के अंदर से जो हमने पानी दौड़ाना है वो चेंज नहीं हो रहा. याद होगा आपको मैंने जिक्र किया था और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपने वो पानी को बिल्कुल खालिसतन बनाना है इफ यू वांट टू टेल अ स्टोरी ट्रूथफुली इफ यू वांट टू फिगर आउट कि ये जो सारा मैं एथिक्स की बात करता हूं या करती हूं ये मैं एथिकल कैसे हो सकता हूं अदर देन वो जो लंबी लिस्ट जो हम पढ़ते हैं बड़ी मोटी बात क्या है. If I am somebody, if you're somebody who's writing or speaking or editing or making a package or making a report or a documentary or anything else, how do you remain honest and truthful to the requirements of journalism? Bada sawal hai. Aur uske liye chand elements hain. जो आपने जहन में रखने हैं वो एलिमेंट्स अगर आप अपने जहन में रख लें तो बाकी चीजें सारी बड़ी आसान हो जाएंगी. यानी आप में से मैं आपको एग्जांपल दूं दोपहर का टाइम है अगर आप लोगों ने लंच नहीं किया हुआ तो मैं आपको खाने की एग्जांपल दूं ताकि आपकी भूख थोड़ी और जागे. मिसाल के तौर पर व्हाट इज कॉमन इधर फूडीज हैं काफी इस हॉल में जो देसी फूडी है ये उसके लिए सवाल है. व्हाट इज कॉमन बिटवीन बिरयानी पुलाव एंड जर्दा राइस राइस. तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिनकी मैं बात करूंगा अभी ये समझें ये वो कॉमन थ्रेड है कि आपने बेसिक वो चावल में आप फलानी वो बोटी डाल देंगे तो पुलाव बन जाएगा उसमें फलानी डाल देंगे मसाला डालेंगे तो बिरयानी बन जाएगी चावल वही है. तो जर्नलिज्म में और मीडिया में जो बेसिक एक फंडामेंटल्स हैं वो फंडामेंटल्स जिस तरह चावल एक फंडामेंटल इन डिशेस के लिए वो फंडामेंटल्स अगर आप समझ लें तो फिर उसके अंदर से आप जो मर्जी डिश बनाए वो कोई इशू नहीं है. आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं आप न्यूज रिपोर्ट बनाएं आप टॉक शो करें जो मर्जी करें
लेकिन ये एलिमेंट्स अगर आप पकड़ लें तो आपके सारे एथिकल इश्यूज का मसला हल हो जाएगा, और ये सिर्फ 5-6 हैं या 7 हैं। तो ये आपने नोट करने, क्योंकि ये निचोड़ है जो आज हम बात कर रहे हैं। एंड ये मैं आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, कंपस होता है ना, नॉट द ज्योमेट्री वाला कंपस, दूसरा जो होता है डायरेक्शन वाला, उसको कहते हैं कि इट ऑलवेज पॉइंट्स ट्रू नॉर्थ, नॉर्थ दिखाता है ना। ये आपका ट्रू नॉर्थ है। जब भी आप कंफ्यूज्ड हो, जब भी यू नॉट क्लियर कि यार ये मैं काम कर रहा हूं, इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट एथिकल और अनएथिकल, शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दिस, जब भी आपके जहन में ये सवाल आए, जो आएगा, तो रेफर टू दिस एलिमेंट्स और आपका कंपस ट्रू नॉर्थ पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई वाज हेड ऑफ अ चैनल कॉल्ड एक्सप्रेस न्यूज, और उसमें ये हो रहा है कि एक रावलपिंडी में एक इंसिडेंट हो गया, जहां पे कुछ सेक्टेरियन इंसिडेंट हो गया, चंद साल पुरानी बात, और लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ सेक्ट्स में, और एक कोई इबादतगाह थी जिसको आग लगा दी थी। अब ये बहुत बड़ा इवेंट है और इतने बड़े शहर में हो रहा है। मेरा डिलेमा क्या था, वही डिलेमा जो आप सबका आएगा, शुड आई शो दिस और शुड आई नॉट शो दिस। अब ये दोनों तरफ है, एक तरफ क्या है, एक तरफ ये है कि देखें व्हाई शुड यू नॉट शो इट, अगर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो लोगों को मालूम होना चाहिए, आफ्टर ऑल जर्नलिज्म और मीडिया इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी। आपको तो आप खुद, मैं यदि मेरे से ही सवाल, मैं अपना सवाल कर रहा हूं कि मैं खुद क्यों सेंसर करूं, व्हाई शुड आई सेंसर। तो जनरली आप में से कुछ लोगों ने कहा दिखाएं, बिल्कुल एक क्वेश्चन ये, लेकिन उसका दूसरा अल्टरनेटिव भी था, दूसरा एक सवाल भी था जो मेरा, मैंने अपने आप से पूछा, अगर मैं ये दिखाता हूं तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, क्या जज्बात और भड़केंगे, क्या जब ये दिखाया जाएगा कि रावलपिंडी में को फिरका वाराना जो है वो तसादुम हो गया है, तो क्या लाहौर में भी लोग जो है वो भड़क उठेंगे, और क्या ऐसा तो नहीं कि कराची में भी लोग जो है वो उस चीज को देख के मुश्तैल हो जाएंगे, और क्या उसको दिखाने से कहीं मामलात कहीं जलती पे तेल तो नहीं आ जाएगा। एंड फॉर मी द डिसीजन वॉज शुड आई शो इट बिकॉज पीपल शुड नो, और शुड आई सेल्फ सेंसर सो दैट मोर लाइव्स कैन बी सेव्ड एंड द सिचुएशन कैन बी जलती पे पानी फेंका जाए। अब नाउ अगर मैं यही क्वेश्चन लेके आज आप लोगों की डिबेट कराऊं तो दोनों तरफ से आपके आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, और ये रियल लाइफ में कॉन्स्टेंट, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, ये कॉन्स्टेंटली ये एथिकल डिलेमास और इश्यूज हमारे सामने आते हैं। और आपके मीडिया में क्या है, मीडिया में आपके पास टाइम नहीं है, सो यू हैव टू मेक दिस डिसीजन इमीडिएटली। ये जो मैंने आपके सामने जो मैंने ये एक बताया है सिचुएशन, मेरे पास एग्जैक्टली 1.5 मिनट था to debate with myself and take a decision, and I took a decision. Which one did I take? जो समझते हैं कि मैंने दिखाया हाथ खड़ा करें, जो समझते हैं कि मैंने नहीं दिखाया हाथ खड़ा करें। Clearly you know me better than I know myself. Yes, we decided not to wear it, and not only that, we also called और अदर काउंटर पार्ट्स एंड अदर चैनल्स एंड सेट के यार मैं नहीं दिखा रहा, तुमने तुम भी मत दिखाओ, और उसको कहा क्योंकि हम जब सब नहीं दिखाएंगे तो ये मामला होगा, वरना अगर 2 चैनल्स ने नहीं दिखाया और 6 दिखा रहे हैं तो फिर ये एक फिर हमने सिस्टम भी बनाया वेयर यू नीड टू टेक एथिकल डिसीजन। सो ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये जब भी आप फंसेंगे तो ये इन एलिमेंट्स को देखें। आइए जी, अब जरा पेटी कस लें, कागज पेंसिल हाथ में पकड़ लें, ये 6 या 7 एलिमेंट्स हैं, ये आपने लिख लेने हैं, और उस पर क्यों होने में हम उस पर बहस भी कर सकते हैं। आइए जी, पहला 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 क्या है, ऐसे मौके पे वो ड्रम रोल भी होता है। नंबर 1, एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म। नंबर 1, जर्नलिज्म्स फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू द ट्रूथ। अच्छा, अब ये आप कहेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई वुड वॉन्ट यू टू
थिंक ओवर दिस, कि जब भी आप फंसे तो आपने देखना है कि ट्रूथ इसमें है कि नहीं है. हाँ, वंस यू रिकग्नाइज कि यस ये ट्रूथ है, फिर नेक्स्ट सवाल वो आता है जो मैंने अपने आप से पूछा था कि ट्रूथ तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन क्या इसको बताने के लिए कहीं माशरे के लिए बेहतर है कि फिलहाल ना किया जाए. सो दैट इज अ डिलिबरेट चॉइस. व्हाट यू कांट डू इज डिलिबरेटली मिसस्टेट थिंग्स, यानी जानते बूझते हुए गलत बयानी करना अगर आपने की तो आपकी जर्नलिज्म का बेसिक पर्पस खत्म हो जाता है, जानते बूझते हुए दानिस्ता तौर पर. अनफॉर्चुनेटली अगर आप मेरे से सवाल करेंगे पाकिस्तान में हो रहा है, तो मेरा जवाब होगा कि हाँ हो रहा है. वो क्यों हो रहा है, वो ऑब्वियसली यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर, बट हमें वी नीड टू नो द आइडियल फॉर विच वी शुड एस्पायर टू. तो पहला तो ये है जी, इससे इसके देर आर नो एक्सेप्शन टू दिस. जब भी आप फंसेंगे, आप पूछें यार ये जो मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं या कह रहा हूं, गलत बयानी तो नहीं कर रहे हैं. और गलत बयानी से क्या होता है, अल्टीमेटली रेफर बैक टू जो माय पहला पॉइंट था कि ऑल जर्नलिज्म इज लिंक्ड टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. माशरे में आप गलत बयानी फैलाएंगे तो अल्टीमेटली लोग सफर करेंगे. लोग कहते हैं जी मेरी क्रेडिबिलिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी तो खराब होगी, बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वी हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर, वी हैव टू लुक एट सोसाइटी एट लार्ज, बिकॉज जर्नलिज्म रीच करता है टू एवरीबॉडी. सो ट्रूथ, फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू द ट्रूथ. नंबर टू, इट्स फर्स्ट लॉयल्टी इज टू द सिटीजंस. अच्छा, अब इसको हम, क्योंकि हम सारे पाकिस्तानी हैं और आप सब पाकिस्तानी मीडिया कंज्यूम करते हैं, ये जो दिस, मैं यानी मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि इस रूल नंबर टू को हमारा मीडिया अक्सर और बेशतर भूल जाता है. अक्सर और बेशतर, सिर्फ हमारा मीडिया नहीं, दुनिया में और भी दीगर मीडिया के साथ भी यही इशू है. कोई किसी की बात कर रहा है, कोई उस जमात की बात कर रहा है, कोई उस फलाने लीडर की बात कर रहा है, सबकी बातें कर रहे हैं, लेकिन जिनकी बात करनी है अल्टीमेटली वो शहरी हैं, बिकॉज वी डू जर्नलिज्म ऑन देयर बिहाफ. और वो अगला अभी रूल आएगा तो वो मजीद क्लियर होगा आपको. फर्स्ट लॉयल्टी टू सिटीजंस, लास्ट लाइन जी आपको नजर आ रहा है, आखिरी रो में, नॉट योर हेड, यस थैंक यू. जब भी कभी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो कि ये जर्नलिज्म मैंने क्यों करना है, क्यों कर रही हूं, क्या ये ठीक है, क्या ये नहीं है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, रिमेंबर वो जो मेरा फैसला था जिसका अभी हमने जिक्र किया, उसमें यह था कि अगर मैं दिखाऊंगा तो लोगों की, पाकिस्तान के शहरियों की ज्यादा तादाद में जिंदगी को खतरा हो सकता है. एंड एट अ टाइम जब गवर्नमेंट्स, पार्टीज, ग्रुप्स आर ऑल कंपीटिंग फॉर मीडियाज अटेंशन, प्लीज कीप इन माइंड दैट एट द एंड ऑफ द डे आर लॉयल्टी इज टू द सिटीजंस. नंबर थ्री, आप में से जिसने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में जाना है, और मैं अभी आपसे हाथ खड़े करवा के सवाल नहीं करूंगा क्योंकि शायद मैं डिप्रेस हो जाऊं, आप में से जितनों ने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में जाना है या पढ़ाना है या रिसर्च करना या एनीथिंग टू डू विद मीडिया, यू हैव टू रिमेंबर दैट इन इट इज द एसेंस इज अ डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन. व्हाट डज दैट मीन, इसको मैं आसान अल्फाज में क्या बोलूं, डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन इज वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई, जिसको उर्दू में कहते हैं ठोक बजा के चेक करना. हमारे यहां नहीं होता है पाकिस्तान, अगर यह हो तो गलत खबरें ना चलें. हमारे यहां हर उल्टी सीधी खबर चल रही होती है, बिकॉज हमारे मीडिया में जनरली और दीगर मीडिया में भी बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि इस जर्नलिज्म का जो बुनियादें हैं उसमें एक है ये वेरिफिकेशन. क्यों, हर चीज की कोई वजह होती है. सो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू वाई, बिकॉज अल्टीमेटली इट लिंक्स टू वॉट, इट लिंक्स टू के आपने जिनके लिए आप जर्नलिज्म कर रहे हैं वो कौन है, सिटीजंस. और सिटीजन्स मिलके क्या बनाते हैं, माशरा.
और आपका सारा काम है माशरे की बेहतरी के लिए। अगर आप डिसिप्लिन और वेरिफिकेशन नहीं कर रहे तो आप गलत और सही में तफरीक खत्म कर रहे हैं, और जब आप गलत और सही में तफरीक खत्म कर रहे हैं तो आप माशरे में उन लोगों को जिनसे आपकी लॉयल्टी है गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनसे उनकी नॉलेज में गलत तरह का इजाफा हो रहा है, जिससे दे कुड एंड अप मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस? मैंने बच्चे को कौन से स्कूल में भेजना है, मैंने किसके लिए वोट करना है, क्या ये बंदा सही कह रहा है, क्या ये गलत कह रहा है। हर शख्स के, हर फैमिली, हर फर्द कोई ना कोई फैसला कर रहा होता है पाकिस्तान में और हर दुनिया में, और वो फैसले लिंक होते हैं उस तमाम इंफॉर्मेशन से जो वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है, पढ़ रहा होता है। अगर आप गलत चीजें देंगे तो उसकी फैसला साजी की बुनियाद गलत हो सकती है। एंड देयरफॉर डिसिप्लिन और वेरिफिकेशन, ये आई एम श्योर आपको पढ़ाया भी जाता है कि इसको कैसे वेरीफाई करना है। एक बार चेक करना, दूसरी बार चेक करना, तीसरी जगह से चेक करना, फैक्ट चेकिंग करना, ताकि कोई गलत चीज ना जाए। दिस इज द की। और अगर आप ये डिसिप्लिन आप में आ जाए तो यू कांट गो रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ योर बेसिक एसेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नंबर फोर, इट्स प्रैक्टिशनर्स मस्ट मेंटेन एन इंडिपेंडेंस फ्रॉम दोज दे कवर। इसका क्या मतलब है? इम्पार्शियलिटी, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कोई, एनीबडी एल्स? व्हाट डज दिस मीन? क्या होना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? डिस्टेंस फ्रॉम दोज हु कवर से क्या मुराद है? फिजिकल डिस्टेंस जी, फेवरेटिज्म ना हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक। एनीथिंग एल्स? इन्फ्लुएंस, बिल्कुल ठीक है। ये तीनों चीजें बिल्कुल दुरुस्त हैं। इन एसेंस कि आप जिनको कवर कर रहे हैं आपने उनसे डिस्टेंस रखना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि जी आपने उनसे मिलना नहीं है, या नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपने उनसे बात नहीं करनी या उनसे उनका मौकफ नहीं लेना। नो, कि आपने उनके मौकफ को या उनकी सोच को या उनकी बात को या उनके नजरियात को अपने पे हावी नहीं होने देना, अपने काम पे हावी नहीं होने। आप अपने पे हो जाए बेशक, आपके काम पे हावी नहीं होना चाहिए। और ये मुश्किल चीज है। क्यों मुश्किल है वाला? ये मुश्किल सवाल है। एनीबडी, व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? चले मैं इसको और आपके लिए आसान करता हूं। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? इंटर किसने कहा है? थोड़ा एक्सप्लेन करें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थोड़ा सा और, व्हाट डू मीन? वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने। हमारे यहां इसलिए भी मसला है क्योंकि जो पहले की दो तीन चीजें थी वो हमारे यहां कमजोर हैं। लॉयल्टी टू द सिटीजन्स, पर्पस ऑफ ट्रूथ, डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन। जब आपके चंद फंडामेंटल्स ढीले हों तो अगले भी ढीले हो जाते हैं। और हमारे यहां क्योंकि एक पर्सनलाइज माशरा है जहां पर हर चीज को जातियात की नजर से देखा जाता है कि आपने अगर कोई किसी के खिलाफ को तनकीदी खबर लगाई तो वो शख्स उसको ज़ाती तौर पर लेता है। तो हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा सा एक है, एक कल्चरल इशू ऑल्सो, तो लोग थोड़ा सा घबराते हैं। एंड दे फील के द क्लोजर वी आर टू द पीपल दैट वी कवर द बेटर इट इज फॉर आर जर्नलिज्म। बट देर इज अ डिफरेंस, और फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर जाता हूँ। ये डिफरेंस नोट कीजिएगा, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। You need to be close to people to get information and to get to the truth, but you have to be distant from them to make sure that you are able to tell the truth. Phir se repeat kar dunga. You have to be closer to the people you cover, because jitna aap unke kareeb honge उतना आपके लिए उनसे इंफॉर्मेशन लेना आसान होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन
is a byproduct of trust also. मैं आपको trust करता हूं तो मैं आपसे बात कर लूंगा. मैं अगर randomly आप मुझे जानते नहीं है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा. So you have to have a certain level of trust. मैं ये नहीं कह रहा कि आप best friends हो, लेकिन आपको एक trust बनाना पड़ता है. Trust क्या बनाना पड़ता है कि अगर आपको कोई information दे रहा है तो आप उसको twist नहीं करेंगे. लेकिन you have to be distant from them के information लेना आपका उनसे काम है, लेकिन उसको फिर उस तरह present करना जो आप समझते हैं कि दुरुस्त है. यानी आप किसी के मरूने मिन्नत नहीं हो रहे. ये थोड़ा सा बारीक नुक्ता है बट ये इंपॉर्टेंट है टू ताकि ये आप ये ना समझें कि इसका मतलब ये है कि आप जिनको कवर कर रहे हैं आपसे आपने उनसे रूठ के बैठना है. रूठना नहीं है. यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप्स टू गेट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बट देन यू मस्ट हैव द कंफर्ट ऑफ डिस्टेंस टू बी एबल टू टेल दैट इंफॉर्मेशन द वे दैट यू वॉन्टेड टू बी टोल्ड. Five, it must serve as an independent monitor of power. ये आपने concept तो पढ़ा होगा, watch media as a watchdog versus media as a lapdog. ये भी पढ़ा होगा आपने. अच्छा, इंडिया में आजकल ये बड़ा मसला हुआ है. इंडिया की मीडिया को आप मॉनिटर कर रहे हैं? वैसे अगर आप नहीं कर रहे तो यू नॉट मिसिंग मच, क्योंकि वहां पे मीडिया का बहुत ही बुरा हाल हुआ है. And I was at a conference अभी last week जहाँ पे Indian journalists भी आए हुए थे, और वहाँ पे हमारी ये बात हुई तो मैंने उनके Indian media के ऊपर जो है वो काफ़ी तनकीद की. तो उसमें से अक्सरियत ने actually बाद में privately accept किया कि बात तो आप ठीक कर रहे हैं. Indian media is if you think Pakistani media is in a crisis, Indian media is in a crisis 10 times bigger than our crisis. और Indian media में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया जो है वो उनसे उनके साथ जुड़ा हुआ है. तो जो नहीं जुड़े हुए उन्होंने उसका नाम एक रख दिया है, गोदी मीडिया. वो मोदी मीडिया से गोदी मीडिया. तो व्हेन यू फॉरगेट दैट यू हैव टू सर्व एज एन इंडिपेंडेंट मॉनिटर ऑफ पावर, कीपिंग दोज इन पावर इन चेक. हमारे यहाँ पता है क्या डिबेट होती है, अगर आप टॉक शोज वगैरह देखते हैं, और ये आपने अक्सर सुना होगा और आने वाले दिनों में सुनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को मीडिया के जो जमहूरियत में मीडिया के रोल के हवाले से थोड़ी आगाही और शऊर कम है. चुनाचे कई बार आप सुनेंगे कि कोई सियासतदान जो रात को शाम को बैठा वो कहेगा, वो जर्नलिस्ट को कहेगा, नहीं जी आप क्यों आवाम की बात कर रहे हैं, आवाम का वोट तो हम लेके आए. ये आर्ग्यूमेंट आप सुनेंगे, विच इज ओनली पार्शली ट्रू. आवाम का वोट वो जरूर लेके आए हैं, लेकिन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप मीडिया का काम है टू मॉनिटर दोज इन पावर एंड क्रिटिसाइज देम. सो ये आपने जहन में रखना है. इधर वाले जो लास्ट लाइन है, आपको आवाज आ रही है सर? ये बीच में जो लास्ट लाइन है, हाथ खड़ा करके बताएं, कैन यू हियर मी? थैंक यू. जो इंडिपेंड जो पावर में है आपने उस पर तनकीद करनी है. तनकीद बराए तनकीद नहीं, इट इज द रोल ऑफ अ मीडिया. देखिए इफ यू डिसाइडेड ना कि हमने जमहूरियत में रहना है, जो कि हमारा आइन कहता है, जमहूरियत में ये मीडिया का बुनियादी रोल है. कल को कभी आपसे कोई पूछे तो आपके पास की बिल्कुल क्लियर जवाब होना चाहिए. Our role is an independent monitor of power. This is a job. तो इसको जब भी आपको confusion हो ये ज़हन में रखें. Our primary role is this. जब भी आपने कोई सवाल करना हो, सख्त सवाल करना हो, तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए. This is why. And it must strive to keep the significant, interesting and relevant. अच्छा, ये मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये आपको शायद थोड़ा सा मुझे इस पर बात करनी पड़े. It must strive to keep the significant. यानी जो भी अहम चीज़ है जो हम मीडिया पे ला रहे हैं, या कल को आप सोच रहे हैं कि जी ये बड़ी अहम चीज़ है और ये हमें करनी चाहिए. It must be interesting and relevant. यानी सादा अल्फाज में अगर मैं आपको इसका मतलब
आपके सामने रखूं, तो वो ये कि आप मीडिया पे बोरिंग नहीं हो सकते. यू कांट बी बोरिंग बिकॉज यू हैव टू इंगेज द ऑडियंस. ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एग्जाम्पल यू नो राइटिंग अ बुक वेयर ऑफ कोर्स यू वॉन्टेड टू बी अ बेस्ट सेलर बट यू डोंट वॉन्ट कि जी मेरी बुक की क्वालिटी डिटर्मन हो के कल को कितने लोगों ने खरीदनी है. उसका अपना एक मीडिया बाय इट्स नेचर इट्स कॉल्ड मैस मीडिया राइट. उसका मतलब ये है कि इट इज फॉर द मैस एंड विच इज वाई मैं अक्सर बेशतर इस तरह की टॉक्स में और डिस्कशन में मैं तो पहले से एतराफ़ कर लेता हूं कि परहैप्स सम ऑफ यू टेक मी मोर सीरियसली देन आई टेक माई सेल्फ बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट आई कांट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली क्योंकि मैंने अल्टीमेटली वो बात करनी है जो मैंने लिखना है ना. यानी आज मेरा कॉलम छपा है और सुबह बड़ी उस पर मुझे फीडबैक आ रहा है, वाह जी वाह बड़ा आपने अच्छा लिख दिया, ये मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ. लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि शाम को उसी कॉलम में पकौड़े तले होंगे और मैं जाऊंगा तो वही उसी मेरे कॉलम के ऊपर चार पकौड़े पकड़. सो हमें अपनी औकात का पता होना चाहिए. इफ यू वॉन्ट टू मीडिया की आप कहते हैं ये तो बड़ी वीकनेस है. हाँ मीडिया की वीकनेस है एंड स्पेशली टेलीविजन, मोर टेलीविजन स्लाइटली लेस न्यूज़पेपर. ये सुपरफिशियल मीडियम्स हैं. फास्ट फूड है, पढ़ा फेंका. बट हाउ डज इट मेक अप फॉर दिस वीकनेस? बाय द रीच. रीच बहुत है, डेप्थ कम है. तो जब आपने ये एक्नॉलेज कर लिया कि हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते तो फिर आपको थोड़ा सा आपकी रूह को चैन मिल जाता है. यू डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली बट देन व्हाट यू डू रियलाइज इज दैट व्हाटएवर यू डू वो जो मेरे कॉलम की जो 4-5-6 घंटे की शेल्फ लाइफ है उसमें आई हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट. क्योंकि अगर मैं उसको इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट भी नहीं कर रहा तो उसकी शेल्फ लाइफ तो वैसे ही नहीं है. वो किताब तो है नहीं कि वो 10 साल किसी के बुक शेल्फ में रखी रहेगी. बेसिकली वो पकौड़े हैं. विच इज वाई इफ आई वॉन्ट टू रीच द पीपल मैक्सिमम, अगर मैं टेलीविजन पर बात कर रहा हूं, अगर मैं उसकी एडिटिंग कर रहा हूं, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, आई हैव टू सी कि मैंने व्यूअर को या रीडर को इंगेज कैसे करना है. ये की चीज है. सो अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपने देखना क्या है, जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखा है इसके बाद वो जो रीडर है उसको मैं क्या दे रहा हूं कि वो अगला भी पढ़े. इट हैज टू बी समथिंग. या अगर मैं उसको कोई टेलीविजन की पैकेज बना रहा हूं, so am I putting the best visual right at the top or not? एक simple rule है. इनसे पूछिएगा इनको कौन सा, ये television में है किस में आपके साथ बैठी, या print में है आपके साथ जो बैठी. Thank you. So interesting and relevant. ये मुश्किल काम है. ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग योरसेल्फ वेरी सीरियसली इन अ यूनिवर्सिटी वेर यू हैव टू, यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट अल्टीमेटली व्हेन यू बिकम अ जर्नलिस्ट यू हैव टू स्लाइटली अपनी जो अपने आप को जितना आप संजीदा ले रहे हैं थोड़ा सा कम करना पड़ेगा सो दैट यू कैन बी मोर कंफर्टेबल एंड इन अटेम्प्टिंग टू मेक योर वर्क मोर इंटरेस्टिंग. कोई लोग कहते नहीं देखिए हम एंटरटेनर थोड़ी हैं, कोई हमको ड्रामे थोड़ी कर रहे हैं, हमको फिक्शन थोड़ी लिख रहे हैं कि हमें को इंटरेस्टिंग होना है. नो वो आंसर है इसमें बिकॉज यू आर रीचिंग द मैस मीडिया. सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट. एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट, सिटीजंस टू हैव राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू न्यूज. आजकल सोशल मीडिया में क्या हुआ है कि हर बंदा जर्नलिस्ट भी है, हर बंदा वीडियोग्राफर भी है. एवरीबडी हैज द टूल्स फॉर इट. सो एवरीबडी इज टॉकिंग. सो इन दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट सिटीजंस, वो लोग जो आपका काम कंज्यूम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, दे ऑल्सो हैव राइट्स. एंड दिस लिंक्स टू द फर्स्ट वन.
यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर राइट्स. आपने अपनी करियर के लिए या अपनी जॉब के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना जो सिटीजन के एक्सपेंस पर हो. Essentially, being responsible in terms of what you do, being very responsible. So always remember their rights. Again, आप नोट करें इस सारी थीम में, अब मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं, then we'll, इस सारी थीम में जो एक कॉमन थ्रेड है, यानी वो जो धागा है, एक धागा जिसमें ये सारी चीजें जो हैं ये हम उसको पिरो सकते हैं, वो धागा ये है कि वट एवर यू डू इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एथिकल जर्नलिस्ट, हाउ एवर यू लुक एट एथिक्स इन टर्म्स ऑफ द मीडिया फ्रेमवर्क, कीप इन माइंड दैट उस एथिक्स का जो ट्रू नॉर्थ है इट इज बिगर देन एन इंडिविजुअल. यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी, कंट्री. जो कहते हैं ना जर्नलिज्म एक नोबल प्रोफेशन है, उसके पीछे जो जो उसकी जो थियोरी है वो यही है. प्रैक्टिस में हमें पता है क्या हो रहा है सब जगह, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द थियोरी. थियोरी है ये, इट इज नोबल बिकॉज इट एक्चुअली एम्स एट इम्प्रूविंग योर सोसाइटी. और ये हम सबके एज इंडिविजुअल्स इफ वी नो दिस, ये आप हर वक्त नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन सिर्फ अगर आपके जहन के किसी एक दरीचे में ये ख्याल रखा हो कि मैंने जो कुछ भी करना है एज ए जर्नलिस्ट इट मस्ट लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन माई सोसाइटी, तो आपकी जो काम है उसमें क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, उसमें एथिकल राइट्स एंड रॉन्ग्स जो हैं वो वाजे होने शुरू हो जाएंगे, और उसमें द पावर ऑफ योर ट्रूथ विल बिकम इवन more powerful. And therefore, my final word is, ultimately, make a living, but try to make a difference. That is the key. Thank you so much, sir. So basically, now it's time for questions and answers. We're going to take some questions. Yeah. First of all, Mohammed Ibtisam. Yes, your question. Hello. जो प्रेस रजिस्टर जो जितने भी चैनल्स हैं, लाइक देर आर 96 चैनल्स रजिस्टर्ड विद द पैमरा, लाइक यू टॉक्ड अबाउट देर आर 46 चैनल्स न्यूज चैनल्स पर्टिकुलरली. सर रिसेंटली जो लास्ट ईयर जो मास कम्युनिकेशन का जो बच्चा है जो पास आउट हुआ था, दैट वाज लाइक 5.5 लाख बच्चा जो था मास कम्युनिकेशन का पास आउट हुआ था. सर क्या किस तरीके से देखते हैं कितना ज़्यादा लॉट अभी भी बैठा हुआ है, तो किस तरीके से जो 46 न्यूज़ चैनल्स हैं मेजॉरिटी जो बच्चा है दे आर विलिंग टू बिकम एन एंकर और सच स्टफ लाइक दैट, और बाकी भी डिफरेंट यू नो पेशे में जाना चाहते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं कि जो इतना ज़्यादा बच्चा जो पास आउट हो रहा है वो किस तरीके से सब जगहों पर न्यूज़ चैनल्स में अपने अपने डिजायर प्लेसेस पर फिट आउट होगा. दैट इज़ द मोस्ट क्वेश्चन ऑन द बिहाफ थैंक यू. आपका नाम क्या? मोहम्मद. अच्छा ऐसा है, देखिए ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो द नंबर ऑफ पीपल हु आर इनरोल्ड इन मीडिया स्टडीज़ उनकी तादाद आपने बताई थी कि 5 लाख नेशनली. पिछले 2-3 साल से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एक तरह के बहरानी कैफियत में है.
या आप भी नोट कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, एंड देर आर नंबर ऑफ रीजन फॉर दैट. बट जहन में आपने ये रखना है कि देखिए ये बहरानी कैफियत जो इस टाइम पाकिस्तान के 48 न्यूज़ चैनल्स और दीगर चैनल्स पे आई भी है, ये ख़त्म अगर हो भी जाए तो उससे जो बड़ा बहरान है वो ये है कि बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में. तो अगर आप ये सारे ये 5 लाख लोग ये समझ रहे हैं कि उनको टेलीविज़न पर जगह मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, ये कहीं भी नहीं होगा. क्योंकि टेलीविज़न आपने अभी देखा, ऑडियंसेस आप खुद देखें, यू एज एन ऑडियंस आर मोर ऑन द डिजिटल फ्रंट. सो इसेंशियली इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ सक्सेसफुल करियर इन जर्नलिज्म, यू हैव टू नाउ बी कम्फर्टेबल इन ऑल प्लेटफॉर्म्स. यानी वो दिन गए कि आप कहते थे कि मैं प्रिंट जर्नलिस्ट हूँ तो मैं टेलीविजन जर्नलिस्ट हूँ. अब आपको हर शख्स को हर काम आना चाहिए. क्योंकि देखिए अल्टीमेटली डिजिटल में हम इवन एज इंडिविजुअल्स व्हेन वी यूज सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो हम सारा कुछ कर रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, हम शूट भी कर रहे हैं, हम एडिट भी कर रहे हैं, हम खुद बोल भी रहे हैं. तो वो सारे काम जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में होते थे सोशल मीडिया पे, नाउ ऑल ऑफ अस आर डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स इंडिविजुअली. दैट इज़ वेयर द फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म नाउ लाइज, बीइंग कंफर्टेबल इन ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड नॉट बीइंग वेडेड टू ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म. एसेंशियली जर्नलिज्म जो शुरू में हमने कहा था कि इफ़ यू नो हाउ टू टेल अ गुड स्टोरी, इट डजंट मैटर हाउ यू टेल इट, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू टेल इट. वो स्किल आपके पास होना चाहिए, और उस स्किल के लिए वही जो हमने बात की थी पानी और पाइप की, कि आपको पाइप भी बनाना आना चाहिए और आपको पानी छोड़ना भी आना चाहिए. वंस यू नो दैट, जर्नलिज्म इतनी तेजी से इवॉल्व कर रहा है कि अगर आप मेरे से कोई ये सवाल करें कि जी 8 से 5 साल बाद वॉट विल बी द स्टेट ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान एंड इन द वर्ल्ड, आई वुड एक्चुअली स्ट्रगल टू टेल यू. और यही सवाल अगर आप किसी जर्नलिस्ट से करें जो न्यूयॉर्क में काम कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो भी यही जवाब देगा. बिकॉज नोबडी नोज, ये एवोल्यूशन इतनी तेजी से हो रही है कि वी डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू गो. बट वॉट विल नॉट चेंज इज द एबिलिटी टू टेल अ गुड स्टोरी इफेक्टिवली एंड ट्रूथफुली. एज लॉन्ग एज यू नो दैट एंड यू नो द मॉडर्न टूल्स ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, यू आर ओके. थैंक यू सो मच सर. This session was very informative and I'm sure our students learned a lot from you. Now I would like to call our head of department, Dr. Farooq Shahzad, for the note of thank you. Thank you very much, sir, for sparing your precious time. And I'm pretty much sure that how you connected the knots today, especially that how ethics are important for journalism, I think that's something which is going to broaden the horizon of the students who are here, because it's coming from a mouth who has an experience of more than 30 years. And I hope that it is going to help you a lot. Especially when you go into the professional environment, and I'm sure that it's gonna help you out. And since we are an academic institute, so we are more concerned about the ethical journalism, the ethics. Because we see that profession is defined by ethics. So if you exclude the ethics, so you won't call that thing as a profession. So what we are witnessing in Pakistan in most or majority of the cases, it is happening because the part of the ethics is missing. And I think there are many reasons to it. And one of the core reason is the journalism studies were initiated quite late, because our television and the growth of media started in the early 21st century. And the people from the different fields, they basically joined the media, and that's why we see at times, as Farsa mentioned, that they are not able to differentiate, or they are not able to self-censor them when it comes to identifying the relevant content, a good content which has more relevance with the citizen and other points which he has mentioned. Once again, sir, thank you very much, and inshallah, we'll keep inviting you for such wonderful sessions. Thank you very much. Thank you.
Sir, I would like to invite you for, we have a little souvenir from Behia University. Thank you.